दीवार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के तत्वाधान में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को उनकी जयंती के अवसर पर याद किया गया। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए गए। बार सभागार में आयोजित समारोह की अध्यक्षता दीवार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के नव निर्वाचित अध्यक्ष आदेश श्रीवास्तव ने की एवं संचालन नव निर्वाचित महासचिव राकेश कुमार वशिष्ठ ने किया। वक्ताओं ने कहा कि चौधरी चरण सिंह को किसानों का ही नेता कहा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। वो देश के ऐसे नेता थे कि उन्होंने देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए और किसी के भी मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी। वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती पर बार सभागार में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है वो सराहनीय है। देश के अन्य महापुरुषों की याद में भी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना आवश्यक है। समारोह को संबोधित करते हुए युवा अधिवक्ता राजीव चौधरी ने कहा, प्रोग्राम फिर हुआ, बड़ी अच्छी बात है और बड़ी खुशी है इस बात की कि ये प्रोग्राम बादस्तूर कायम हुआ। मेरा एक निवेदन और है अध्यक्ष जी और सचिव साहब से कि ऐसे प्रोग्राम आज हमने चौधरी चरण सिंह जी को याद किया है। हमारे बहुत से ऐसे महापुरुष हैं, बहुत से ऐसे व्यक्तित्व हैं जो हमारे लिए माननीय हैं, उनके भी प्रोग्राम हमारे बार में होने चाहिए और ये परंपराएं कायम रहनी चाहिए। बहुत सी ऐसी परंपराएं जो छूट गई हैं वो कायम होनी चाहिए। अब मैं चौधरी चरण सिंह जी के बारे में, पूर्व में भी वक्ताओं ने सब कुछ बता दिया है, मैं तो खैर अभी हमारे बड़े भाई अनिल भाई साहब ने बताया, प्रेमवीर सिंह जी ने बताया, वो सारी बातें मुझे भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान है उन बातों का कि उनका जन्म कब हुआ, किसान परिवार से थे, हमारे वकालत के व्यवसाय से जुड़े हुए थे, तो वो सारी बातें हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कही जा सकती हैं, समय कम है, वक्ता ज्यादा है, तो मैं फिर एक बार चौधरी चरण सिंह जी को दिल की गहराइयों से नमन करता हूं और सबको उनके जन्म दिवस की शुभकामनाएं। दीवार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेम सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जीवन पर रोशनी डालते हुए उनके आदर्शों पर चलने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने अपने संबोधन में आगे कहा, इन आयोजन करने से उनके आदर्श जो हैं वो याद होते हैं, वो मन में घटकते हैं। किसी व्यक्तित्व की जयंती मनाने का आशय मुख्य रूप से उनके आदर्शों को ग्रहण करने के लिए ये प्रथा स्टार्ट हुई थी बीच में, फिर कुछ समय के लिए किन्हीं कारणों से नहीं हो सकी पता नहीं, लेकिन आज हुआ है, बहुत अच्छी बात है। मैंने 1970 के आसपास आमने सामने से देखा जब ये विद्या निकेतन इंटर कॉलेज सुषमा हरिचंद में आई थी, मैं वहां पर पढ़ता था, काफी बड़ा ग्राउंड है वहां, इतनी भीड़ थी कि और जो नेता आते थे मैंने कभी इतनी भीड़ उस ग्राउंड में नहीं देखी, चाहे कोई भी आए। और शायद उस समय हमारे चौधरी साहब सीएम थे, उस समय ईमानदार जो एक बात थी, ईमानदारी की वो इतनी जबरदस्त थी कि यदि सरकारी आदमी कोई अगर उनकी नजर में बेईमानी करता, पकड़ा गया किन्हीं कारणों बस, तो समझ लें कि उसकी तो कयामत आ गई और वो नौकरी पे दोबारा आने का कोई नहीं था। वही एक शख्स ऐसे थे जो रूप बदलकर सरकारी ऑफिसों में जाते थे और बेईमानी पे लगाम लगाते थे। मैंने अपने इतने पीरियड में कभी किसी को इस पोजीशन में नहीं देखा। वैसे तो मैं कहूं कि हमारे कभी कभार एसएसपी साहब का आता रहता है कि साहब रात में निकल गए, डीएम साहब का भी आता रहता है कि रात में साहब निकल गए चेकिंग करने। समारोह को दीवार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के पूर्व अध्यक्ष हाजी सैयद अमीरुल हसन जाफरी, रमेश आर्य, अभिषेक भटनागर, अशोक कुमार सक्सेना, श्रीकांत उपाध्याय, विनोद कुमार विकल, काजी मुसर्रत हुसैन, आदेश श्रीवास्तव एवं राकेश कुमार वशिष्ठ ने भी संबोधित किया।